इमरान जी टाइम खाने बाकी सब हटते जाओ इधर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर कई पदों पर रहते हुए काम कर रहे हैं, मैं आदरणीय पत्रकार भाइयों से वार्ता करें, आदरणीय सहनवाजियों से आतंक और आतंकियों से कोई समझौता नहीं। जो लोग उद्योग मंत्री भी हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज स्थान में मेरा बहुत ज्यादा दौरा होता है। यहाँ पर राजस्थान में काम चलाऊ सरकार है, यहाँ के अंदर ऊपर से तो सब ठीक दिखता है लेकिन कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अमरिंदर सिंह जी के सबसे नज़दीकी मित्र तो अशोक गहलोत जी माने जाते हैं। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं और जो नई पीढ़ी, उसके बीच में जबरदस्त द्वंद्व है और जोर तोड़ की सरकार। राजस्थान के लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे वो रुक गए। पहले सरकार सिर्फ सरकार बचाने में लगी रहती है, राज्य को बचाने में कोई भी उनका रोल नहीं। राज्य में अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं और कई तरह के अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई। एक नज़र और एक नज़रिए से मुख्यमंत्री जी राज्य को नहीं देखते। मुख्यमंत्री का ये धर्म होता है कि वो राज्य को, जिले को एक नज़र से देखे, राज्य की जनता को एक नज़र से देखे। वो काम करने में पूरी तरह अशोक गहलोत नाकाम हो गए। उनकी पहचान आज सिर्फ कांग्रेस के सेवक के तौर पर, परिवार के सेवक के तौर पे है, जबकि राजस्थान की जनता ने उनको राजस्थान का सेवक बनाया था। तो वो एक खास परिवार की सेवा से फुर्सत मिले तभी तो राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। पहले अशोक गहलोत जी जनता को बहुत उपलब्ध होते, अब वो भारी सुरक्षा में, भारी प्रोटोकॉल में रहते। आम आदमी का उन तक पहुंचना नामुमकिन हो गया, वो खास आदमी ही उन तक पहुंच पाते। चुनाव होगा, अगली सरकार बीजेपी की तय। देश के अंदर में जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंक ने थोड़ा सर उठाने की कोशिश की थी, गृह मंत्री के दौरे के बाद उनके अंदर डर पैदा हुआ आतंकियों के। आतंक और आतंकियों से कोई समझौता नहीं। जो लोग आतंक का साथ देते हैं उनसे कोई समझौता नहीं, और जो लोग इस देश में रहकर पाकिस्तान की जीत पर पटाखा चलाते हैं ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। हम सबको स्वीकार कर सकते हैं लेकिन इस देश का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, मैं भी परसों तारापुर में था, प्रचार करके भीलवाड़ा आया। दोनों सीट पर एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा,
राजद का हसीन ख्वाब अधूरा रहेगा, उनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं। लालू जी बिहार के हैं, जमानत के बाद तबीयत नाशाज थी, बिहार आए घूमे फिरे, लेकिन वो नहीं भी थे। तब भी जब चुनाव था तो पूरी तरह उनका इन्वॉल्वमेंट होता था। कोई फर्क लालू जी के आने का भी नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जीते उनको तो हमला ही, हमलावर भी तो ट्विटर पे होते हैं, ट्विटर पे वो है इसलिए कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छी बात है विपक्ष में थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती है, गांव में कम जाते हैं, चुनाव में कम घूमते हैं, बंगाल चुनाव में नहीं गए, जीरो पे आउट हो गए, हम तो 277 हो गए। कांग्रेस का क्या हुआ? अब तो लालू जी ने भी कांग्रेस के दलित नेता को भक्चुंदर कह के कितना अपमान किया है, और कांग्रेस अपने एक दलित नेता की इज्जत बचा नहीं सकती। क्या सोनिया जी खामोश क्यों है? जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रभारी के बारे में अपशब्द कहा, उस पर कम से कम कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? राहुल जी और प्रियंका जी को राजस्थान के दलित से कोई लगाव नहीं है। कितना बड़ा जुल्म दलित समाज पे हुआ और इन लोगों ने खांसी तक नहीं की।